पिच कर पिच कर पिच कर पिच कर आवाज वगैरह आ रही है सर। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिकोनोमेट्री बारे में। तो ट्रिकोनोमेट्री के बारे में प्रस्तावली हम पढ़ेंगे 2.1 के बारे में। तो 2.1 के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैं 2 पॉइंटों के बारे में, 2 पॉइंट क्या है, एक तो साइन, साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है, यह क्लास 12 का मैथ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। क्लास 12 का मैथ कर रहे हैं, डोमेन रेंज सिर्फ दो चीजों को याद रखना, वो भी साइन और कॉस का, बाकी बाकी किसी का भी याद रखना या मत रखना, ठीक है। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है माइनस वन से प्लस वन, ठीक है। और जो तुम्हारा रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। और जो कॉस इनवर्स का होता है, जो कॉस इनवर्स का होता है वो भी होता है माइनस वन से प्लस वन, और जो आपका रेंज होता है वो होता है जीरो से पाई। अभी आप इन चीजों को याद रखिए, ओनली दो चीजें ही आपको याद रखनी है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड के बारे में मैं आप सभी को बता दूं। स्टेप सेकंड में आप सभी को क्या करना है, तो स्टेप सेकंड में साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो इक्वल टू क्या होगा, माइनस का, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा यानी कि एक्स। अगर इसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए, अगर इसी प्रकार कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आ जाए मान लीजिए टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, यस चलो यस। इसके बाद मान लीजिए टेन के बाद कॉट आ जाए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स आया तो यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस का कॉट इनवर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आप सभी को क्लियर नजर आ रहा है, कमेंट आ रही है क्या आप सभी को क्लियर नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए कॉट के बाद क्या आएगा, सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स यानी सेक इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या होगा, पाई माइनस का सेक थीटा, थीटा क्या है हमारा एक्स, इसके बाद तो सेक, कोसेक इनवर्स माइनस माइनस एक्स, तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, यस या नो, यस, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स होगा। इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आगे देखिए चलते हैं हम सभी। इसके बाद आपको दो चीजों पे और ज्यादा फोकस देना है, सॉरी एक ही। इसके बाद स्टेप थर्ड पे आपको फोकस देना है। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड के बारे में आप सभी को बता दूं। स्टेप थर्ड साइन कोस टेन कोसेक और कोसेक, इनके आप लोगों को मान याद रखने हैं। जैसे कि आप सभी देखिए साइन जीरो, तो आप सभी को मैं इतना टाइम नहीं है क्योंकि पूरा बता सकूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे साइन जीरो, तो साइन जीरो कितना होगा, जीरो, और यही पे मान लीजिए साइन थर्टी, सैंतीस डिग्री कितना होगा, वन बाई टू। तो आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, और डिटेल से कल पढ़ाऊंगा मैं इसको, आप सभी जानते होंगे, तो इसे मिटा देता हूँ। और सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं, आप सभी बताते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है ये देखिए, तो क्लास 12 का मैं फर्स्ट पार्ट हमने खोल लिया है, और क्वेश्चंस फर्स्ट के बारे में हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको फ्रॉम फॉर्मूलाज का क्या मतलब, फ्रॉम फॉर्मूला का मतलब है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यस या नो,
जो कि कुछ टाइम पहले अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स का, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यस या नो, यस। इसके बाद देखिए तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसे कर देते हैं, सौ सूत्र को इसमें फॉर्मेट कर देते हैं फर्स्ट में। तो ये देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो आप सभी को बताया, मैंने अभी आपको बताया था 1/2 किसका मान है, साइन 30 डिग्री, यस या नो, यस। तो साइन 30 डिग्री का है तो माइनस का साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, यस या नो, यस। तो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने कर दिया 1/x और इसे इक्वल लगेंगे तो माइनस 1 होता जाता है ना, एक्स की पावर, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और ऊपर जाके माइनस 1 हो जाता है, तो इसीलिए ये जो साइन है तो क्या है अपॉन में, ये देखिए ये देखिए अपॉन में, देखिए कैसे अपॉन में, तो माइनस माइनस 1 अपॉन में साइन इनटू साइन 30, तो साइन से साइन खत्म, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 30 डिग्री। अगर हम इसे पाई के रूप में जैसे परिवर्तित करते हैं, अगर हम इसे जैसे ही पाई के रूप में परिवर्तित करेंगे तो पाई का मान कितना होता है, 180 अपॉन में कितना होगा 30, तो 0 0 के इससे तो कितना आ गया 6। अब ये क्या है पाई, अब इसी 80 को अपॉन 30 को हम जैसे ही पाई के रूप में रखेंगे तो ये पाई है और ये कितना है 30, 30 कितना हो गया 6, तो इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 6, दिस इज आंसर। बताइए यहाँ तक आप सभी को क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में आ रही इक्वल, कमेंट बंद करा अभी ना, जब तक कमेंट सो रही मैं ऐसे नहीं रही। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, तो आप सभी को यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos inverse √3/2, यस या नो, यस। तो यहां पर सॉल्यूशन cos inverse √3/2, तो cos inverse √3/2 किसका मान है, ये देखिए यहां पे, अगर देखिए मैंने आप सभी को बताया था cos inverse minus x, अब यहाँ पे cos inverse minus theta है नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यस या नो, यस, हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, मैं क्या बता रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो ये देखिए अब यहाँ, अब यहीं से हम इसे डायरेक्ट कर देंगे, ओनली चुटकियों में सॉल्यूशन है इसका, ये देखिए कैसे cos inverse √3/2 किसका, cos 30 का yes and no, yes, तो अभी मैंने बताया था cos inverse और cos में yes, solution answer, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा, यहां से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर किया जाएगी। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यस बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है उससे इसे छोड़ो पांचवा, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, cos inverse minus 1/2, yes, हाँ यही है, वेरी वेरी आईएमपी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड, और यूपी बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए कैसे, तो मैंने अभी फ्रॉम फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने cos inverse minus x equal to क्या है pi minus का cos x, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, नहीं बताया था, अभी बताया था बिल्कुल, तो इसी फॉर्मूले के जरिए माइनस थीटा है तो इससे हम इसमें रख देते हैं, तो पाई माइनस का कॉस 1/2, ठीक है, तो कॉस में 1/2 है वो किसका माना है, 1/2 किसका है 30 का, सॉरी 60 का, बिल्कुल यस, तो पाई माइनस का कॉस कॉस 60, कॉस से कॉस का बिल्कुल, तो पाई माइनस का 60, अब 60 को ऐसे अगर हम 80 अपॉन में 60 करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए तो कितना आएगा 5/3, यस या नो, यस, तो कितना आएगा 5/3, ये देखिए 5/3, बिल्कुल बिल्कुल साहब 5/3 आ गया, बिल्कुल, तो 5/3 के बाद, अब इसके बाद आगे सॉल्यूशन देखिए 5/3 के बाद, तो अब हमने एलसीएम लिया तो 3 आ गया, यहां पर कितना हो गया 3π माइनस का 5 इक्वल टू 2π/3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के लिए इसे आप लोग रट के जाना,
और इसके बाद अब हम सभी कल करेंगे, और आप सभी कमेंट करें, लाइक करें और दवा के शेयर करें, और दवा के ठोक ठोक के कमेंट करो। चलो अभी थोड़ा और पढ़ा देते हैं आगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 verse -1, क्या है 10 inverse -1 के बारे में आप सभी को बता दें। तो 10 inverse प्रॉब्लम सुन लीजिए, यही होगा बिल्कुल। इसे फ्रॉम कर दीजिए तो माइनस 10 inverse x यानी थीटा, और थीटा की स्पैन कितना है बनते हैं, हम कितना रखेंगे वन। अब की बात अगर आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बता देना, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 inverse बन कितना है 10 45, बिल्कुल। तो 10 45 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो इनवर्स के बारे में अभी बताया था, इनवर्स का मतलब क्या है, बना फोन में 10 into 10 40 degree, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे माइनस चल ही रहा है आप सभी का, यहाँ पे कितना आ गया -40 degree। अब 40 degree को पाई में हम कैसे चेंज करें, तो आप लोगों को पाई का मान पता है बिल्कुल, 180/45, तो 45 का मतलब इससे कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। इसीलिए हम पाई फॉर्म में इसी फॉर्म को यहाँ पे 180 इसको हम लिख सकते हैं पाई गई 4, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि माइनस हमारे साथ ही चल रहा है सॉल्यूशन आंसर। बताइए यहाँ तक आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। लाइव कमेंट दे दिया पा रहे हैं, वो कर दो ना रोटी का, रोटी कर लेना। हाँ चल ठीक है, अब तो जस्ट करे जस्ट कर ले, चुका आगे की रोटी को कर लूँ तो मैं हेडलाइन कर दूंगा। मैं जाना है रोटी टमाते तो करो, ऊपर से तो मैं ऊपर से ना करो, करो यार देख ये ठीक है करते भैया, चुके हम सेटिंग मौत को बना कर सेटिंग का मुंह बता के जाइए बात सामने। इसके बाद आगे देखिए √3, लेकिन जो √3 है वो किसका मान है, √3 कितना है 60 का, बिल्कुल यस है ना यस। मैंने अभी आपको माइनस थीटा में बताया था, लेकिन माइनस थीटा में बताया था तो मेरे प्यारे प्यारे सभी भाइयों मैं आप सभी को बता दूं ये माइनस में थोड़ी है, तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे मिटा दूं, देखिए कैसे cot inverse, और अब √3 मैंने अभी आपको बताया कितने का है 60, यस है ना यस 60 डिग्री बिल्कुल। तो